नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मनोविशेषज्ञ डॉक्टर नेहा मेहता आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही चर्चित मुद्दा लेकर। हमें ऐसा क्यों लगता है कि बच्चों को काम ही क्या होता है? खाना मदर्स बना के दे रही हैं, हम सारा समय तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहते हैं एज अ मदर, हम फील करते हैं भाई टिफ़िन हम तुम्हें रेडी करके देते हैं, खेलने के लिए खिलौने तुम्हारे फादर ला के तुम्हें दे रहे हैं, बाहर का तुम्हारे पास इतना अच्छा प्ले ग्रुप है, इन्वायरमेंट है, सोशल सर्कल है, तुम सारा दिन खेलते रहते हो, सिर्फ दिन में एक या दो घंटा हम तुम्हें पढ़ाई के लिए बोलते हैं, वो भी तुम क्यों नहीं कर पाते हो? यूजली पेरेंट्स इसी चीज़ की कश्मकश में घूमते रहते हैं कि बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है। हम बाकी सारी सुविधाएं उन्हें समय से पहले देते हैं, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, 100 में से 200% अपने बच्चे को देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ क्यों नहीं रहा है? उसकी स्कूल से रेगुलरली कंप्लेंट्स क्यों आ रही हैं? क्यों वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है? तो हमें कोशिश करनी है कि हमें कहीं ना कहीं हम बच्चे के बाल मनोविज्ञान को समझने की ज़रूरत है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बाल मनोविज्ञान की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ। जैसे ही आप इन्हें समझ जाएंगे, जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि बच्चा भी खाली नहीं है, उसके पास भी बहुत सारी और जिम्मेदारियां हैं जो उसे निभानी होती हैं। लेकिन ये क्या है, कैसे है और बच्चों का बाल मनोविज्ञान कैसे पढ़ना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इससे पहले मैं शुरू करूँ, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि मैं और बाल मनोविज्ञान की वीडियोज़ को लेकर आपके सामने आ सकूँ। तो चलिए अब जानते हैं कि बाल मनोविज्ञान है क्या। अगर एज अ पेरेंट आपको लगता है कि मैं एक माता भी हूँ, एक वाइफ भी हूँ, किसी की बेटी भी हूँ, किसी की बहू भी हूँ, किसी की सिस्टर भी हूँ, तो बहुत सारे रोल्स जब मैं अपने कैलकुलेट करती हूँ, हमें भी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि मेरे को ये काम करना है, ये काम करना है, तो इसे हम बोलते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट। हम अपनी दोनों रोल्स के बीच में अटक जाते हैं कि हमें कौन सी चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो जब हमें ऐसा होता है तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे बच्चे के पास तो ये रोल्स होंगे नहीं? समझने की कोशिश करें। आपका बच्चा भी अगर किसी का बेटा है तो शायद एक टीचर का स्टूडेंट है, हो सकता है कि वो अपने डांस टीचर का परफॉर्मर हो, एक डांसर हो, अपने ग्रैंडफादर का ग्रैंड पेरेंट हो। अरे बच्चा तो तभी कंफ्यूज हो जाता है अगर उसकी दादी ने कुछ और बोला और माँ ने कुछ और बोला। तो बच्चे का भी एक अपना मनोविज्ञान है जहाँ वो खुद भी कंफ्यूज हो सकता है कि कौन से काम कैसे देने हैं। अगर आप एक स्कूल की टीचर हैं तो मैं गारंटी करती हूँ कि आप अपने बच्चे जो 30 से 40 बच्चे आपकी क्लास में हैं, आप उसी में देख के पहचान पाएंगी कि आज आपका बच्चा इतना अटेंटिव नहीं लग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वो अपना होमवर्क कंप्लीट करके नहीं आ पाया है, या आज उदास है, या मायूस है, या इतने एनर्जी के साथ नहीं खेल रहा है, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ उसकी नॉटिनेस या उसका ड्रामा नहीं हो सकता है। कभी कभार हो सकता है कि वो अपने ज़िंदगी के दोनों पहलुओं में, दोनों रोल में कन्फ्यूज़ हो, तो इसी कारण वो इस तरह का बिहेवियर पोर्ट्रे कर रहा है। तो कोशिश करें इन कारणों को जानने की। एज अ टीचर हो सकता है हम लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि हम हर बच्चे को लेकर उस बात को डिस्कस कर सकें, लेकिन अगर हम थोड़ा सा समय निकाल पाएँ तो हम बाल मनोविज्ञान के बारे में बच्चे के अंदर चल रही फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स को असेस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप मदर हैं तो थोड़ा सा समय बच्चे के साथ बैठें, उसकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, डिस्कस करें। हो सकता है उसके अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक इंटरनल द्वंद्व या कुंठा चल रही है, उसे निकालने की कोशिश करें। बच्चा छोटा जरूर है, ईगो जरूर है, लेकिन रोल्स की प्रॉब्लम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या किसी भी चीज की जवाबदारी बच्चे में भी है, तो उसे समझें, बच्चे को धीरे धीरे उस मेंटल स्टेट से निकालें, ताकि आगे किसी भी तरह का एग्रेशन बिहेवियर, पढ़ाई पे कंसंट्रेट ना करना या किसी भी तरह का झुंझलाना, इरिटेशन, इस सब चीजों से वो निकल पाए और इस तरह का बिहेवियर वो आगे लंबे समय तक ना दिखा पाए। तो जितनी जल्दी आप बाल के मनोविज्ञान को समझेंगी, उतने बेहतर तरीके से आप खुद की लाइफ भी एज अ पेरेंट भी बेटर कर सकती हैं और बच्चे को भी बेटर तरीके से समझ कर एक अच्छी पेरेंटिंग को इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पेरेंटिंग से रिलेटेड अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई इशू हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहती हैं, तो माई फिट ब्रेन क्लिनिक, तो आगे हम मिलते रहेंगे, हम डिस्कस करते रहेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स। इसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जल्दी से जल्दी और मेरी पहली वीडियो आप सबसे पहले सुन सकें।